हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कल का व्लॉग कैसा लगा भाई? कल का व्लॉग तो बहुत लंबा व्लॉग बनाया था मैंने, 18 मिनट का, मतलब 18 मिनट्स का मैंने व्लॉग बनाया, आज तक नहीं बनाया था। पर मैंने 2 दिन का व्लॉग एक में शूट करा था, इसलिए मैंने वो डाल दिया। किसी ने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखो, अच्छा लगेगा। मतलब उसके अंदर कई सरप्राइजेस आपके लिए, और उसके बाद ही आपको ये आज का व्लॉग समझ आएगा। और हमारा फिश टैंक कैसे लगा आपको अपडेट देता हूँ कि वो पानी और ज्यादा क्लियर हो गया, एक्वेरियम का पानी और साफ हो गया। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हमारा एक्वेरियम बिल्कुल साफ हो चुका है। और ये हमारी दो ब्यूटी आगे आ गई है, अभी इनके खाने का टाइम हो गया ना। ये देखो भाई, एक्वेरियम बिल्कुल साफ हो गया, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये देखो, ये है उस फिल्टर का कमाल और अपने पौधों का कमाल। आज का क्या टास्क है भाई? आज हम यहाँ पे ना, अभी मैं जिम जा रहा हूँ नॉर्मल, यहाँ फुल पौधे भर देने हैं, ये टास्क है हमारा आज। और ये हमारी प्यारी सी बेटी है, देखो दो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताना भाई। और इनका नाम क्या रखें? और अब लग रहा है ना कि ये बड़ी है एक्वेरियम में, बट ये भी सारे पैबल्स भी साफ हो चुके हैं, पीछे अपना फिल्टर काम कर रहा है बढ़िया अच्छे तरीके से, ऊपर से पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो, अरे ये हमारी बच्ची है छोटी छोटी। चलो मैं इनको कुछ खाना खाने के लिए दे देता हूँ, देखो ऊपर से। और ये लाइट मेरे पापा ने और साइड में रवि अंकल रहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, प्रॉपर इसका सेटअप तैयार करा था। ये तारों को मैं एक साइड में करूंगा फिर अच्छी लगेगी ये। इधर प्रॉपर सेटअप करके तार ऐसे लाइट आई हुई है, और ये देखो है ना गजब चीज। मैं एक सेकंड अभी इनको खाना दे देता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं जिम में, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं वीडियो प्रीमियर करी है ना कल वाली अभी, तो फिर अब मुझे जिम जाना पड़ेगा। देखो मैंने ऊपर खाना डाल तो दिया, आ भी गई है, देखो ये भी नहीं है ना, इनको इतना जल्दी पता नहीं चलता कि खाना आ गया है नहीं आ गया, कैसे खा रही है बंद थी। दोस्तों ये मानू डोल वाखड़ी और अभी भी वाखड़ी होकर एक्सरसाइज कर रही है, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई। जिम की इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि अभी हमें लगता नहीं कि हमारी अभी इतनी बॉडी हो ही है। जिस दिन हमारे को रिजल्ट लगने लग जाएगा, कि दिखने लग जाएगा, और आप लोग भी कहोगे कमेंट सेक्शन में कि भाई थोड़ा जिम की बताओ, ट्रेनिंग के बारे में बताओ, एक्सरसाइज के बारे में बताओ या डाइट के बारे में बताओ, तो ज़रूर बताएंगे। तो इसलिए मैं जिम का इतना पार्ट दिखाता नहीं अभी, जब आप कहोगे तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं घर पर, डाइट लेनी है बहुत ज़रूरी है, थकान हो रही है। तो देखियो ये रही अपनी राइड, इसको लेके चलते हैं। नहीं मतलब अगर दिल ना कर रहा तो रहने दे। हेलो आजा, पापा को हम मैंने गिफ्ट करा, मैंने आईफोन थंबनेल और टाइटल देख लिया हुआ आपने, मैंने करा पकड़ के ये देखिए। चलो अब अभी वो आया तो चेक कर लेते हैं। पहले चार्जर चुर्जर दिए ही नहीं राजो ने, दे दे वहां पापा के गिफ्ट। ये देखो मेरे पापा के लिए, मैं दूंगा पापा के लिए, मैंने मंगाया। कैसे बोल रही हूं मैं, जाऊंगा आईफोन SE 2। ये मेरे पास भी है, मैं ये यूज कर रहा हूं, और पापा के लिए भी ये मंगाया, बट ये व्हाइट कलर में मंगाया। दे तू दियो बाद में कैमरामैन। मम्मी 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 हम सोच आईफोन ऑर्डर करा हुआ है। मम्मी अब हम सोच रहे हैं पापा को ऐसे गिफ्ट दें, किसी बॉक्स के अंदर इसको डाल के ऐसे बोले मम्मी कि ना पापा आपका कुरियर आया, चेक कर लो क्या है ये। फिर पापा देख के एकदम पापा सा देगा एकदम एक्साइटमेंट है उसमें, तो खुल लगे कुरियर, पापा को पता ऑफिस के कुरियर आते हैं। पापा जी आपको अपने बेटे पे प्राउड होगा, फील होता है क्या? हाँ। कितना प्राउड फील होता है? बहुत ज्यादा, धनु पे कैमरा मैन पे और बेटे पे धनु पे। सही बताओ वाक्य क्यों होता है? तो अच्छी हो तुम, अच्छी अच्छी औलाद है इसलिए होता है, और क्या क्यों भाई। वैसे बर्थडे तो मानू का और मेरा आ रहा है, मानू का 21 अक्टूबर, मेरा 27 पर बर्थडे। गिफ्ट आपको दे दिया
अरे पता कौन सा फोन है मानो कौन सा आईफोन है ये अरे यार कमाल है आईफोन क्यों देख लो बच्चे गिफ्ट देते हैं पहली बार बाप को इतना बढ़िया देख लो भाई सही है सारे बेटे बेटी ऐसी मेरे वाला ब्लैक है और आपका व्हाइट और मेरा व्हाइट थैंक यू और मेरा व्हाइट हाँ मनु का भी व्हाइट है नमस्ते भी आ गया मनु का भी व्हाइट है भाई और इधर भी देख ले एक बार बहुत प्यारा फुटेज खाओ बेटा हमारा छुटका फुटेज तो कुछ ज्यादा ही खाता है एक नंबर पापा आप दोनों पे वाइट वाइट हो गया कन्नू कालू है पापा के पास ये तीसरा एप्पल आया है एक सबसे पहले वाला एप्पल भी पापा के जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था दिखाओ मैं लाऊं आईफोन लॉन्च हुआ था जो तो ओरिजिनल आईफोन जो लॉन्च हुआ था ना जो इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था शायद वो अमेरिका से मामा जी लेके आए थे वो भी है हमारे पास ये देखो इसका चार्जर खराब हो ये है पहला आईफोन जो लॉन्च हुआ था इंडिया में इंडिया में नहीं इंडिया में नहीं हुआ था ये बाहर मतलब जो पहला आईफोन ऑफिशियल लॉन्च हुआ था वो ये था ये हमारे पास है इसको चार्ज करना भी चार्जिंग इसका चार्जर दूसरा इसमें अंदर जब तुम बिल्कुल इतने इतने वहां तक की फोटो है इसके अंदर इस वाले अब तो फिर कैसा लग रहा है पार्टी दे दो बस इस बात की आज तो पार्टी है पक्का पक्का सच बताओ कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया तो आज कहां लेके जा रहे हो स्पेशल स्पेशल व्हाइट कलर इसलिए मंगाया क्योंकि ब्लैक मेरे पास है व्हाइट में आज भी वैसा ही है ये बटन ये तो सेंसर गार्ड वार्ड और इन फोनों के ना ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ इससे आपके व्लॉग्स भी बनाता हूँ तो इसका कैमरा भी अच्छा है और इसका मतलब ये एक तो है इन है मतलब एक हाथ से यूज कर सकते हैं तब बढ़िया है कि ये देखो सारा पूरा कॉर्नर्स को एक हाथ से यूज कर सकते हैं और मेरे पास भी यही है पापा का व्हाइट मंगा दिया मैंने बदल बदल के ले लेंगे पापा जी कभी कभी मानो वाला तो देते नहीं मानो मुझे अच्छा लगता है मेरा फेस आईडी पापा का तो इसका तो डब्बा भी छोटा सा है इसका पर पापा इसमें चार्जर तो नहीं आया आपका ईयरफोन नहीं आया बस ये तो चार्जर भी ये तो दुख है पर तार तार है चार्जर का मेरे पास एक इलाज है भाई मेरे पास पहले तीन या चार अडेप्टर्स पड़े हैं और अडेप्टर्स तो है और ये केबल तो आई है इसमें फोन मार्केट में आ चुके हैं फोनों की पुष्पा कॉम्प्लेक्स में हिसार में सबको ही पता है कि मुतकनी मार्केट है गार्ड मेरे वाले फ़ोन पे भी लगवा लिया और बैक कवर भी लगवा लिया बैक गार्ड लगवाया कवर नहीं लगवाया और पापा के भी गार्ड और कवर लगवाया फ़ोन कवर पसंद ही नहीं आ रहा हमें और मेरे को तो लगाना भी नहीं फ़ोन कवर मैं ऐसे ही रखता हूँ फ़ोन पापा ने कवर ले ही लिया मतलब वाइट ट्रांसपेरेंट कवर ले लिया खुश हो ये चीज ये डायलॉग जो होता है ना खुश हो ये आप हमें पूछते हो ना हाँ बेटा मेरे भी खुश खुश हो खुश हो भाई चलो कर सकते हैं वही कर सकते हैं आज हम छपरी व्लॉगर बन रहे हैं है कहाँ पापा पता नहीं कहाँ है मानू क्या कर रही है तू कर क्या रही है हम पापा को बहू करेंगे क्यों मन कर रहा है गए डांगर वो गए अरे जा अरे जा ना ये मानो इतनी लेट है ना ये छपरी ब्लॉगर इतनी फद्दू थी पता चल गया पापा ने मुड़ के देख लिया देख लिया देख लिया तेरे को चल वापिस चल वापिस चले कहाँ पे तेरा प्रैंक फेल हो चुका है अपने चुपचाप कर चल पर कोई उधर से जाकर भाव करे दा तू चल तू हो पापा को पता चल गया जब तू मुड़ के आई ना पापा तो मुड़ रुक गए थे और देख लिया था कि मानू है दोस्तों आपको एक ना अजूबा दिखाता हूँ अजूबा ये देखो भाई इस अजूबे को देख लो ये अजूबा है बड़ी मेहनतों के बाद ये हमने पकड़ा है अजूबा ये अजूबे ऐसे कैसे बैठे दो अजूबे है अजूबे दूसरा जो भाई हो रहा और अजूबे अजूबे ये अजूबे ये जम्मा ये छिले उड़ी मुर्गी जैसी क्यों निकल के आती है बाहर कैसे कर लिया मैंने कैमरा ऑन नहीं करना था बट मैंने कर लिया यार
मैंने व्लॉग तो शूट कर लिया आप लोगों के लिए, व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बट आज का मौसम इतना ज़्यादा सुहावना है, मतलब मेरे को ये मौसम ना बहुत पसंद है यार। जब ये हल्की हल्की ठंड शुरू होती है ना, इस टाइम लोग बीमार होते हैं, पर पता नहीं मुझे क्यों ये मौसम पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा मौसम यही पसंद है। ये देखो कितना सुंदर मौसम है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, आप देख सकते हो। ये देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है, मेरे मेरे को ये मौसम बहुत पसंद है। और इस मौसम में हमारे छत पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं, कैसे लग रहे हैं जो बताया भाई। और एक रेड रोज भी है हमारे पास, ये देखो इसके लिए छोटे बर्ड्स है। और ये नीचे वाला फ्लावर ये देखो रेड रोज भी लगा हुआ है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई व्लॉग, और कौन सी मूवमेंट आपको अच्छी लगी। इजाजत दो, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।